हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक विद अ टॉपिक कॉल्ड नेचर ऑफ फ्रूट्स। तो लिख लो पहले, नेचर नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर से मेरा मतलब है रियल और इमेजिनरी, ठीक है ना। नेचर ऑफ फ्रूट्स, तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम, उसके बाद समझते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, हम बात करेंगे स्पेशल जो हमारा क्वाड्रेटिक है वही नोटेशन यूज करेंगे एबीसी। तो लिख लो, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर कॉन्स्टेंट एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन then the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, let abc are constant and a not equal to 0, then the quadratic equation ax square plus bx plus c will have इसमें अब दो क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी। तो पहला पार्ट विल हैव रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। और ये हमारा होता क्या है, ये मैंने पहले ही बताया, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो हमारा कंडीशन आ गया डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो फॉर रूट्स टू बी रियल। दोबारा एक बार क्या बोला मैंने, अगर भाई कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसका हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ गया इसका मतलब उस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स होंगे। इसको भी हम फर्दर दो कैटेगरी में कर सकते हैं, ग्रेटर देन अलग देख लेते हैं और इक्वल टू के लिए अलग देख लेते हैं। तो लेट्स से आई विल क्लासिफाई फर्दर हियर इन टू पार्ट्स। मैंने बोला डी ग्रेटर देन जीरो और एक डी इक्वल्स टू जीरो, इसी के सब दो पार्ट हो गए। इधर हमने दोनों एक साथ क्लब कर लिया था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अब मैं दोनों सेपरेटली लिख रहा हूं। तो ग्रेटर देन जीरो में क्या होगा, रूट्स क्या होंगे, रियल तो रहेंगे, दोनों में रियल ही रहेंगे बिकॉज इसी का अंदर आ रहा है, बट इसमें क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, इसमें क्या होगा, रियल एंड इक्वल होंगे। तो इसको लिख लो, इसमें क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझना है। उधर क्या होंगे, रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ये चीज याद रखना, ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। एक बार और देख लेते हैं क्या बोला मैंने, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम क्या पहले डी निकालेंगे, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट, वो होता क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फिर हम देखेंगे क्या वो नॉन नेगेटिव है, अगर नॉन नेगेटिव है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं है, तब वो उसके रूट्स क्या आएंगे, रियल आएंगे। उसमें भी दो चीजें हैं, ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे, और अगर इक्वल टू जीरो हुआ तब हमारा क्या होगा, रूट्स विल बी इक्वल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंपल से एग्जाम्पल लिखता हूं इसका, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू दिस इज इक्वल टू जीरो। नाउ इफ यू फाइंड इट्स रूट, डी देखें हम इसका, तो डी देखो क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर इज नाइन माइनस फोर इंटू टू फोर ए सी, तो ये आ गया वन विच इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और दिख भी रहा है ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं इसके रूट्स क्या होंगे, दिस इज सम ऑफ रूट एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट बी माइनस बी बाय, द सम कितना है थ्री, प्रोडक्ट कितना है टू, तो हमारे रूट्स कितने होंगे इसके, बाय ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं, वन एंड टू देख लो, वो तो वन और टू रियल क्वांटिटीज है प्लस डिस्टिंक्ट है, क्यों, क्योंकि डी हमारा ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। सिमिलरली एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू जीरो, एक मेरा क्वाड्रेटिक हो गया, इसका मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो बी स्क्वायर कितना होगा, माइनस टू का स्क्वायर विच इज फोर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, फोर ए सी हो गया वन, तो ये क्या बना जीरो, डी जीरो आया, तो इसका रूट क्या होंगे, रियल तो होंगे बट इक्वल होंगे, तो रियल है अब ऑब्जर्वेशन से दिख सकता है, बेसिकली ये लिखा क्या है, दिस इज नथिंग बट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर लिखा है ये, तो इसमें क्या है हमारे एक्स इज इक्वल टू वन कॉमा वन, तो दो रूट्स है, देखो क्वाड्रेटिक है तो पक्का दो रूट्स होंगे, ये तो बिल्कुल फाइनल है, भले वो रियल हो इमेजिनरी वो बात अलग है, तो इधर मेरा क्या आया, रूट्स आर रियल बट इक्वल, क्लियर है बच्चों। चलो अब वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो, मैं नेक्स्ट पॉइंट पर इमेजिनरी वाले पार्ट पे जंप करते हैं, जस्ट पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट।
अब मैंने क्या बोला, अब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का डिस्कशन हो गया, अब क्या कर रहे हैं लेस देन जीरो के लिए, तो क्या होगा सेकंड पॉइंट इसमें, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस विल हैव इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो, मतलब डी इज लेस देन जीरो, बेसिकली ये जो पार्ट है ना रियल एंड इमेजिनरी, वैसे नाइन टेंथ में ही पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तुम लोगों को पहले से आता होगा आई होप, ठीक है ना, बट दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू, बट हाँ इसके बाद जो भी हम पढ़ने वाले हैं कुछ पॉइंट्स इन्हीं के बेसिस पे वो तुम लोगों के लिए नए होंगे, एकदम नए होंगे, ठीक है ना, तो इसको भी अच्छे से ध्यान से सुनना है, तो इमेजिनरी रूट्स इफ डी इज लेस देन जीरो, ठीक है, इसमें कोई फर्दर क्लासिफाई नहीं होगा, लेस देन जीरो मतलब रूट्स विल बी इमेजिनरी, एकदम दिमाग में बैठा लो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रूट्स रियल, डी लेस देन जीरो रूट्स आर इमेजिनरी, अब जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, तो देखो इसके रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, तो मैंने कैलकुलेट किया, मैं फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहा हूं, फॉर्मूले से कैसे स्टार्ट करें, वैसे परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं, मेथड वन मैंने बोला पहले मैं परफेक्ट उससे कर रहा हूं फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला क्या होगा माइनस बी माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज फोर माइनस फोर फोर सिक्सटीन डिवाइड बाय टू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस ट्वेल्व, तो देखो एक इमेजिनरी चीज आ गई, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया विच इज नॉट डिफाइंड, सो दिस इज अ इमेजिनरी नंबर, अब इसके बारे में पढ़ेंगे हम आगे जाके, अभी इसी जस्ट इस पॉइंट के बाद ये अंडर रूट ऑफ माइनस वन को आई से डिनोट करते हैं दैट इज आयोटा, ठीक है, अभी के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं, क्या बोला मैंने दिस इज अ इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी क्लियर है, इसको मैं ऐसे भी देख सकता था परफेक्ट स्क्वायर बना के, देखो मैंने क्या किया इन दोनों की मदद से परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो क्या आ रहा मेरा जैसे x प्लस वन का स्क्वायर लिख सकता हूं इन दोनों की मदद से, फिर इधर क्या है x स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, बट मुझे फोर चाहिए तो इधर वन आ रहा है अभी, तो अभी अभी दोनों चीज बराबर नहीं है, तो क्या करा प्लस थ्री कर दिया इक्वल टू जीरो, तो इससे मेरा क्या है x प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू माइनस थ्री, तो इससे आया x प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री, नाउ यू कैन सी अगेन अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, वही चीज है ये बेसिकली, ये और ये सेम है, ठीक है ना, इधर से जो वैल्यू आएगी वही इधर से आएगी, क्लियर है बच्चों, अभी हम देखेंगे अंडर रूट ऑफ माइनस वन वो इमेजिनरी नंबर होता है, अंडर रूट के अंदर इवन रूट के अंदर अगर माइनस लिखा है तो वो इमेजिनरी क्वांटिटी है, ऑड रूट तो डिफाइन होता है, जैसे मैंने अगर लिखा तो मैं क्यूब रूट ऑफ माइनस वन, दिस इज नॉट इमेजिनरी नंबर, दिस इज माइनस वन ओनली, बट ये जो नंबर है माइनस वन स्क्वायर रूट दिस इज नथिंग बट इमेजिनरी क्वांटिटी, आई से डिनोट करता है आयोटा बोलते हैं इसको, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो इतना लिख लो, अब जितना पढ़ाया अभी उसके बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, तो तुम मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, तो मैं एक न्यूमेरिकल लिख लेता हूं, देखना क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो तुम लोग, एग्जाम्पल फाइंड अल्फा या फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, फाइंड रेंज ऐसे लिख लो रेंज of values of alpha if x square minus 4 alpha plus alpha plus 5 if roots of this are real and distinct, ठीक है, अब इसको रख लेता हूं, क्या बोला उसने कि वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इफ द रूट्स ऑफ दिस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो अभी मैंने बताया रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, अच्छा देखो इक्वल टू भी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि उसने ये टर्म यूज किया डिस्टिंक्ट, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे सिंस द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट देयरफॉर डी मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, वी विल नॉट पुट इक्वालिटी ऑल्सो, हाँ, वो अकल केवल ऐसे बोलता रूट्स आर रियल, मान लो इतना पार्ट नहीं होता डिस्टिंक्ट वाला तब मैं इधर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करता, इससे भी डिफरेंस क्रिएट होता है, ऑप्शंस में तुम्हारा देखना क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट वगैरह दिए होंगे, ठीक है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो जब ऑप्शन बनाएगा एग्जामिनर तो उसमें वो इसके करस्पॉन्डिंग भी आंसर लिखेगा, बट हमें इसको सॉल्व करना है, दोबारा एक बार इसको सॉल्व करते कब करते जब ये डिस्टिंक्ट वर्ड यूज नहीं होता, अब डिस्टिंक्ट यूज किया है तो मैं इधर से इक्वालिटी हटा दूंगा, बिकॉज इक्वालिटी के करस्पॉन्डिंग क्या होता है इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग रूट्स इक्वल होते हैं, बट उसने बोल दिया डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना, बहुत एम्फसाइज कर दिया, आगे बढ़ते हैं, तो डी ग्रेटर देन जीरो, तो डी देखा मैंने इसका क्या होगा फोर का स्क्वायर माइनस फोर का स्क्वायर विच इज सिक्सटीन माइनस फोर टाइम्स ए सी, तो
ए इज वन और सी हो गया हमारा अल्फा प्लस फाइव, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, एक बार देख लेता हूं मैं। नहीं, ये फोर नहीं है, ये फोर अल्फा इंटू एक्स है ना, तो ये हो गया फोर अल्फा का स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। समझ में आया? एक्चुअली माइनस फोर अल्फा का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो माइनस को एस्केप कर दिया मैंने, तो ये हो गया हमारा, ऐसे लिख लो फोर इंटू फोर अल्फा स्क्वायर 16 है, माइनस फोर टाइम्स अल्फा प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्या लिया, फोर कॉमन लेके पहले जीरो के बाद रख दिया, तो ये हो गया फोर अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा माइनस ट्वेंट सॉरी ये फोर तो चला गया, तो इधर बचा माइनस अल्फा माइनस फाइव ग्रेटर देन जीरो। तो अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गया, इनइक्वालिटी तो हमने बहुत अच्छे अच्छे की है, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। क्या करते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में, पहले डी चेक करते हैं, तो इसका डी तुम चेक करो, इसका डी क्या है, ये इनइक्वालिटी का डी है, इक्वेशन का मतलब नहीं है। अब मेरे को, अब देखो इसके बाद क्वाड्रेटिक का पार्ट खत्म, अब इनइक्वालिटी चालू हुआ। अब मैंने तुम्हें बोला फाइंड अल्फा जो सेटिस्फाई कर रहा है इस इनइक्वालिटी को, तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में बढ़ाया था, क्या करते हैं हम पहले इसका डी चेक करते हैं, तो डी दिख रहा है ये पॉजिटिव आएगा, तुम वेरीफाई कर लो, क्योंकि इधर माइनस है तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो डी विल बी पॉजिटिव। अब डी अगर पॉजिटिव होता था तब हम क्या करते थे, इसके प्रॉपर रूट्स निकालना पड़ता है, फिर तो लेस देन जीरो होता है तो फिर हमारे पास शॉर्टकट होता है कि सिंस डी इज लेस देन जीरो और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स, ऐसा करते थे हम। बट इधर डी पॉजिटिव आया इसका मतलब मुझे अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा, इसको मैं लीनियर फैक्टर के टर्म्स में लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा का है, तो इसका रूट निकाले, तो रूट निकालो, तो वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज वन प्लस, तो माइनस होगा बट माइनस इधर है तो माइनस फोर एसी करूंगा तो सिक्सटीन फाइव जा 80 बाय 2a 8, मैं भी रूट निकाल लो, तो ये हमारा किसमें हो गया, वन प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 81, 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, नाइन का स्क्वायर है, तो ये हो गया नाइन अपॉन 8, तो फाइनली तुम्हें इधर से क्या मिला, अगर मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूं तो नाइन प्लस वन 10 बाय 4, 10 बाय 8 मतलब 5 बाय 4, और नेगेटिव साइन ले रहा हूं तो -9 प्लस 1 -8, -8 अपॉन 8 इज -1, तो मेरे ये दोनों रूट्स आ गए। अब ये रूट्स आ गए, अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक को 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 5, याद है क्वाड्रेटिक में ही बताया था, इसको कैसे लिखते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, याद है सबसे पहला लेक्चर जब हमने रूट्स डेरिवेट जब रूट्स ड्राइव किए थे उसमें मैंने बोला था वो इक्वेशन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होगी, क्या था इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, दिस इज एन आइडेंटिटी, ये इसी को एक दूसरे फॉर्मेट में लिखा है तो वही चीज मैं इधर लगा रहा हूँ, फोर टाइम्स ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, अल्फा लेट से 5 बाय 4 को बोल रहा हूँ, तो 5 बाय 4 इंटू एक्स माइनस बीटा, माइनस ऑफ माइनस का हो जाएगा प्लस, क्लियर है, तो इसको ऐसे लिख सकते, तुम ओपन करके भी देख सकते हो, ओपन करोगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो वो फोर सॉरी एक्स मतलब अल्फा आएगा, एक्स के लिए अल्फा है, ठीक है। अच्छा, और वैसे भी चलो हम और भी वेरीफाई कर सकते हैं कैसे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से कि हमारा सही आ रहा है या नहीं, तो इधर से सम ऑफ रूट कितना होगा, माइनस बी बाय तो माइनस ऑफ माइनस वन वन अपॉन फोर, तो 1 बाय 4 इन दोनों का एडिशन कर लो 1 बाय 4 आ रहा है, प्रोडक्ट देख लो प्रोडक्ट कितना है माइनस 5 बाय 4 सी बाय इधर क्या आ रहा है माइनस 5 बाय 4, तो मतलब ये जो रूट निकाले हमने वो करेक्ट है। चलो अब आते हैं इनइक्वालिटी पे, तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ इधर पहले पार्ट को, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, तो मैंने बोला क्या लिखा था मैंने, ये क्वांटिटी उधर क्या लिखा था अभी इससे पहले वाले स्टेप में, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, ये हमारा डी आया था, दिस इज ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू भी नहीं था, ग्रेटर देन जीरो था, तो फाइनली अब कैसे करते हैं ग्रेटर देन जीरो के लिए, पहले तो रूट्स लोकेट करते हैं नंबर लाइन पे, तो दिस इज माइनस वन एंड दिस इज 5 बाय 4, फिर क्या करते थे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ग्रेटर देन जीरो बोला है इसका मतलब हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, ये वाला ओपन आएगा, याद रखना ग्रेटर देन जीरो है इक्वल टू नहीं है, इसलिए मैंने स्ट्रेस दिया उस पॉइंट पे, डोंट गो टू इक्वल टू ऑल्सो दैट करस्पॉन्ड्स टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल बट इन क्वेश्चन इट वॉज आस्क डिस्टिंक्ट, तो मेरा फाइनली आंसर इज दिस क्वांटिटी, तो फाइनली मैं आंसर लिख रहा हूं, आंसर इज माइनस इंफिनिटी से ओपन माइनस वन यूनियन ओपन 5 बाय 4 से इंफिनिटी, दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक विल हैव रूट्स एज रियल एंड डिस्टिंक्ट, समझ में आया, जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस पे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे शीट्स में भी है, ठीक है ना, तो तुम्हारा और प्रैक्टिस हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, और तुम लोग क्या करो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी कर लो।
अब देखना एक और नोट करके, नेक्स्ट नोट या फिर नेक्स्ट पॉइंट, कि जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर कोई क्वाड्रेटिक दी है, अगर मैं किसी क्वाड्रेटिक को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ ना, तो उसके रूट्स चेंज नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, चलो प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इज अ क्वाड्रेटिक। और अभी मैंने लिया था इससे पहले, इसके रूट्स क्या है, वन एंड टू, ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं हम, सम ऑफ रूट इज थ्री, प्रोडक्ट इज टू। तो मैंने क्या बोला कि अब इस क्वाड्रेटिक को मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेट्स से टू से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। तब अकॉर्डिंग टू द नोट, क्या बोल रहा है नोट, कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स भी वन एंड टू होंगे, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक के रूट्स चेंज नहीं होते, ठीक है, और रही भी होंगे, क्यों नहीं होंगे, टू में इसमें से क्या करूंगा, टू कॉमन लेके एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू ऐसे लिख के फिर इस टू को मैं जीरो के पास लेके जाऊंगा, तो अल्टीमेटली मेरे पास यही मिला, समझ में आ रहा है। या फिर ऐसे समझ लो कि अगर मान लो मैं, जैसे मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, और एक मैंने लिखा इसके रूट्स मैंने निकाले, तो कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अच्छा, अब मैंने इस क्वाड्रेटिक को टू से मल्टीप्लाई कर दिया, टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा मेरा, टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी इज इक्वल टू जीरो। अब हम रूट्स लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माइनस बी की जगह क्या आएगा, माइनस टू बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस टू बी का स्क्वायर विच इज फोर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू ए इंटू टू सी माइनस फोर ए सी अपॉन टू ऑफ टू ए। अब क्या होगा बेसिकली तुम्हारा, देखना ध्यान से देखना, ये वाला टू और ये टू, फोर अंडर रूट के अंदर ये फोर लिखा है, बट ये बाहर आके टू हो जाएगा, ये टू और ये टू कैंसिल, तो फाइनली उसी यही बचा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, और ये फोर जाएगा इधर से, जब टू कॉमन लोगे ना अंदर से, फोर कॉमन लोगे वो टू बन के बाहर लेकर, इधर से भी तो फोर कॉमन आएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ये टू गया तो कितना बचा, फोर ए सी अपॉन टू ए, तो वही चीज आई, समझ में आया इन शॉर्ट क्या बोल रहा हूँ। तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में लिख लो, ऐसे लिख लो, इफ अ क्वाड्रेटिक इज मल्टीप्लाइड विथ अ कॉन्स्टेंट, then its roots remains unchanged, ठीक है। इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड विद अ कांस्टेंट, कुछ भी कांस्टेंट हो, ऑफ कोर्स रियल होना चाहिए, इमेजिनरी भी चलेगा, कांस्टेंट तो इमेजिनरी भी चलेगा, देन इट्स रूट्स विल बी रिमेन अनचेंज। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे क्वाड्रेटिक के रूट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, हम नेक्स्ट नोट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट नोट क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग नोट है, मतलब अभी तक का बेस्ट पॉइंट बोलूंगा अभी आज की क्लास का। नोट क्या है, पहले नोट लिख लेते हैं उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। मैंने लिखा, लिखो पहले, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अभी तक तो मैं क्या बोलता था, एबीसी यार वैसे रियल नंबर कॉन्स्टेंट बोलता था, बट अभी मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि एबीसी मेरे रियल नंबर है, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। मैंने बोला एबीसी मेरे रियल नंबर्स हैं, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी कंक्लूड करने वाला हूं वो तभी कंक्लूड करूंगा जब इसके जो कोफिशिएंट्स हैं दैट आर रियल। तो मैंने क्या लिखा, इफ एबीसी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इफ एक काम करो, लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर लो, चलो मैं ऐसे अभी बता देता हूं। मैंने बोला कि इफ इट हैव, इफ इट हैज इमेजिनरी रूट्स, इफ इट हैज इमेजिनरी रूट्स then they will be conjugate of each other, then they will be conjugate. अभी आता हूँ conjugate मतलब क्या होता है, if if the equation this has imaginary root then they will be conjugate of each other, very very important. एक बार पढ़ो क्या लिखा है, उसको बोला है कि क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
और बोला है कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं, उसने बोल दिया है इमेजिनरी रूट्स है, तब क्या होगा, उसने बोला कि वो जो दो रूट्स आएंगे दे विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बार तो छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ इमेजिनरी का, इमेजिनरी होता क्या है, उसको डिनोट करते कैसे है, और कॉन्जुगेट के बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ हल्का सा, उसके बाद ये नोट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्या है इमेजिनरी मतलब, एक्चुअली रूट ओवर माइनस वन को, ये तुम लोगों से बहुत से लोग जानते भी होंगे, रूट ओवर माइनस वन को हम डिनोट करते हैं आयोटा से, क्या बोलते हैं इसको, IOTA, आयोटा, इट स्टैंड फॉर इमेजिनरी नंबर, रूट ओवर माइनस वन इज आयोटा, दिस इज अ इमेजिनरी क्वांटिटी, दिख रहा है रूट के अंदर नेगेटिव है तो ऑफकोर्स इमेजिनरी होगा। तो अब तुम्हें कितना याद, तुम्हें जो चीज काम की है उतनी पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल में कब पढ़ेंगे, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर को, ठीक है ना, वो उसी का पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी जितना जरूरी है क्वाड्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट मच आई विल टेल, क्लियर है। तो मैंने कहा आयोटा इज रूट ओवर माइनस वन, तो आयोटा क्या, आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ माइनस वन विच विल बी माइनस वन। तो एक तो ये चीज याद रखेंगे हम, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, चार चीज याद रखेंगे, तो आयोटा इज रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, और एक आयोटा क्यू को कैसे लिख सकता हूँ मैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर इससे पहले निकाला माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा, और लास्टली आयोटा की पावर फोर, इसको कैसे लिखूंगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज माइनस वन इंटू माइनस वन दैट विल बी प्लस वन। तो ये चार चीज तुम्हें याद रखनी है एकदम टेस्ट पे, आयोटा इज अंडर रूट माइनस वन, आयोटा स्क्वायर इज माइनस वन, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, एंड आयोटा रेज टू पावर फोर इज प्लस वन, ठीक है। इसको मैं जनरलाइज भी लिखवाऊंगा, अभी के लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, लिखवा देता हूं, ठीक है ना, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, जिसको लिखना है देखें नोट इट डाउन, जनरलाइज आयोटा की पावर 4n विल बी इक्वल्स टू 1, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू आयोटा, अब n बता रहा हूं मैं क्या होता है, 4n प्लस 2 विल बी इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर व्हिच इज माइनस 1, एंड आयोटा की पावर 4n प्लस 3 विल बी इक्वल्स टू माइनस आयोटा, जस्ट नोट इट डाउन जनरल। अब n का वैल्यू तुम कोई पॉजिटिव इंटीजर रख लो, मैं कह रहा n belongs to i plus, जैसे मैंने कोई भी किसी में भी रख लो, जैसे मैंने आयोटा की वैल्यू 9 रखी फॉर एग्जाम्पल, इसमें रखी तो मेरा क्या आएगा, आयोटा की पावर 9 फोर 36 प्लस 2 38, तो तुम कैलकुलेट करना आयोटा की पावर 38 वो माइनस 1 के बराबर ही आएगा, ये जनरलाइज हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, ये क्यों हो गया, मैंने n इज इक्वल टू 0, देख लो करके देख लो, ठीक है ना, जीरो डाला तो इधर कितना आएगा, एक मिनट, हाँ आयोटा की पावर 1 इज आयोटा, एन को जीरो डाला तो आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, एन को जीरो डाला आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, और इधर एन की जगह 1 डाल लो तो आयोटा की पावर 4 इज 1, क्लियर। तो इसको भी मेमोराइज करना है तो कर लो, बाकी हम मैंने अगेन कितनी रिपीट कर रहा हूं दोबारा, ये चीज के बारे में टेंशन नहीं लेना है, हम कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो तो ये हो गए किसका, इमेजिनरी नंबर के बारे में कॉन्ट्रीब्यूट, जैसे अब एक आध एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे ये तो मैंने रूट माइनस 1 का लिखा, इसको मैं रफ कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी करो, मैंने बोला आप जैसे ऐसा लिखा है, लेट से तुम्हें जैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व करो ना तो तुम उसमें यूज होगा वो चीज, वो बता देता हूं, तो जैसे मैं अंदर आया माइनस 4 ऐसा लिखा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो एक चीज याद रखना, हम ऐसे लिखेंगे इसको अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 4, फिर इसको ब्रेक कर लिया, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 4, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 को क्या लिखूंगा मैं, आयोटा, और रूट 4 को 2, तो ये 2i के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ माइनस 6, तो क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 6, क्या लिखा मैंने इसको, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 6, रूट माइनस 1 इज आयोटा, ये हो जाएगा आयोटा रूट 6। ये क्यों बता रहा हूं मैं, अभी जब तुम रूट निकालोगे ना, जैसे इससे पहले जब हमने क्वेश्चन लिया था उसमें मैंने तुम्हें बताया था अंडर रूट ऑफ माइनस 12 टाइप की चीज आ रही थी, फिर मैंने बोला था अभी रुक जाओ हम टॉपिक पढ़ लेते हैं उसके बाद तुम यू विल बी एबल टू सॉल्व, तो वही एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आई थिंक 4 था उधर, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0, तो इसके रूट्स निकालोगे तुम, कैसे स्टार्ट करोगे, माइनस बी, तो लिखोगे माइनस बी मतलब माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर विच इज 4 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, तो लिखोगे माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 12 बाई 2, तो इधर से आया माइनस 2 प्लस माइनस, अब रूट माइनस 12 को कैसे लिखूंगा, रूट ऑफ माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 12, तो रूट ऑफ माइनस 1 इंटू रूट ऑफ 12 बाय 2, तो रूट ऑफ माइनस 1 को क्या लिखूंगा, आयोटा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस आयोटा टाइम्स, और रूट ऑफ रूट 12 क्या हो जाएगा, 2 रूट 3, 2 रूट 3, तो 2 रूट 3 बाय 2, तो ये कितना आ गया, माइनस 2 कैंसिल हो गया ऊपर और नीचे से कॉमन लेके, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, तो ये हमारे इमेजिनरी रूट्स आ गए, दो आए, एक बार प्लस लेने पे और एक बार माइनस लेने पे।
ठीक है, तो ये होगा हमारे इमेजिनरी रूट्स। तो इसलिए मैंने तुम्हें ये बताया अंडर रूट ऑफ माइनस फोर इज अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू फोर, ऐसे लिखेंगे क्योंकि तुम्हें इसमें काम आएगा जो रूट के अंदर डी लिखा है ना, जो रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी लिखा है वो चीज में काम आएगा। ठीक है, अच्छा देखो इसका हमने जैसे परफेक्ट स्क्वायर बना के भी क्या लिखा था, देखो वेरीफाई कर लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या लिखा था, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, इधर से क्या आ गया वन आ गया लेकिन फोर चाहिए, तो प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो उधर लेके गए माइनस थ्री, तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री, तो इधर से क्या आया मेरा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस थ्री को क्या लिखूंगा, रूट माइनस वन इंटू रूट थ्री, और रूट माइनस वन को आयोटा, तो ये हो जाएगा आयोटा रूट थ्री, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री। तो यू कैन सी दोनों से सेम आया, परफेक्ट स्क्वायर बना के या फिर ये फॉर्मूला लगा के। क्लियर है, आई होप समझ में आया होगा। अब मैं इसको रब कर देता हूं, अब एक्चुअल लोड पे हम इस वर्ड पे फोकस करते हैं, ये जो उसने बोला कॉन्जुगेट मतलब, ठीक है ना, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। मैंने बोला दे विल बी हैव कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा टू प्लस थ्री आई, तो हमें कुछ नहीं करना, कॉन्जुगेट मतलब होता है जो आयोटा है ना उसका जो कोफिशियंट है ना उसको पलट दो, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, आयोटा का कोफिशियंट याद रखना, आयोटा का कोफिशियंट, तो इधर क्या है प्लस थ्री है तो उसको माइनस थ्री बना दूंगा, तो टू माइनस थ्री आई, जैसे मैंने लिखा फाइव माइनस सिक्स आई, तो क्या हो जाएगा फाइव प्लस सिक्स आई। अच्छा ऐसा नहीं कि इसी डायरेक्शन में चलूंगा मैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकता, मतलब ये एक्चुअली आई शुड पुट बोथ साइडेड एरो ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि अगर मैंने पूछा टू माइनस थ्री आई का कॉन्जुगेट क्या होगा तो इट विल बी टू प्लस थ्री आई, आयोटा का क्वेश्चन माइनस थ्री है तो माइनस थ्री का उल्टा कर दिया मतलब प्लस थ्री हो गया, सिमिलरली इसका कॉन्जुगेट ही हो जाएगा, तो बोथ साइडेड एरो है। ठीक है ना, अब सुनना, अब मैंने लिखा जैसे अब क्या होता है जल्दी जल्दी में, अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा फाइव आई माइनस सिक्स, तो क्या करते हैं बच्चे लोग जल्दी जल्दी में इसका लिखते हैं फाइव आई प्लस सिक्स विच इज रॉन्ग, ऐसा थोड़ी कि जो बाद में नंबर लिखा है उसका नेगेटिव करना है, जो आई लिखा है ना उसका कोफिशियंट नेगेटिव करना है मुझे, नेगेटिव मतलब अपोजिट करना है, अगर प्लस दिया है तो माइनस, माइनस दिया है तो प्लस, तो अकॉर्डिंग टू दैट द कॉन्जुगेट ऑफ दिस नंबर विल बी माइनस फाइव आई, रियल पार्ट सेम रहेगा, ऐसे पहले लिख लो तुम, रियल पार्ट विल रिमेन द सेम, नेगेटिव क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने पे जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसमें एक नेगेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, समझ में आया, क्लियर हुआ। अब जैसे मैंने और लिख लेते, मैंने लिखा टू आई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, इधर रियल पार्ट तो है ही नहीं, तो ठीक है रियल पार्ट नहीं तो कोई बात नहीं, इसका आंसर हो जाएगा माइनस टू आई। मैंने बोला लेट से फाइव, इसका इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो फाइव ही रहेगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, अगर मान लो तुम्हें लिखना है तो ऐसे लिख लो फाइव प्लस जीरो आई, फिर ऐसे लिख लो फाइव माइनस जीरो आई, वो फाइव माइनस जीरो आई नथिंग बट फाइव ऑनली, तो समझ में आ गया इन एग्जाम्पल से, कॉन्जुगेट मतलब क्या होगा, बस आयोटा का कोफिशिएंट हमें नेगेटिव कर देना है, जो ओरिजिनल दिया है माइनस दिया है तो प्लस कर दो, प्लस दिया है तो माइनस कर दो, क्लियर है बच्चों। चलो अब आते हैं एक्चुअल इस नोट पे और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम, एक्चुअली जो नोट लिखवाया है इसका एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं, इससे पहले इस वाले पार्ट को कॉपी कर दो, इतने पार्ट को देखो क्या है, क्या बोला उसने कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है और उसमें ए बी सी अगर रियल नंबर्स हैं तो उसने बोला है कि जो रूट्स होंगे ना वो कॉन्जुगेट होंगे, जैसा कि अभी हमने इसे एग्जांपल भी देखा था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, इसका इसके रूट्स क्या आए थे माइनस वन प्लस रूट थ्री आई, और एक आया था माइनस वन माइनस रूट थ्री आई, नाउ यू कैन सी दे बोथ आर कॉन्जुगेट, दिख रहा है ना, दे बोथ आर कॉन्जुगेट बोथ साइडेड एरो, ये इसका कॉन्जुगेट है ये इसका कॉन्जुगेट है, दिख रहा है रियल पार्ट तो सेम है, इमेजिनरी पार्ट में इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव लगा दिया, तो यही चीज ये बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक में अगर हमें पता है कि इमेजिनरी रूट्स हैं तो अगर हमें एक पे रूट पता होगा तो दूसरा हम अटैक से लिख देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है और ए बी सी रियल है और उसने बोल दिया इसका एक रूट टू प्लस मान लो फाइव आई है, तो दूसरा रूट मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है एग्जामिनर को, मैं खुद से बताऊंगा कि दूसरा रूट क्या होगा टू प्लस फाइव आई सॉरी टू माइनस फाइव आई, क्लियर है बच्चों, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस नोट, हमें एक रूट भी दिया होगा तो हम दूसरा फटाक से बता देंगे कि दूसरा रूट, जैसे अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है दूसरा होगा अल्फा माइनस आई बीटा, आयोटा का कोफिशिएंट नेगेटिव कर देंगे, ठीक है चलो। अच्छा अब इसका एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के लिए देखो इधर, जैसे मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ले लेता हूं जो इसमें दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं तुम लोग कॉपी कर लेना, देखो क्या है अगर मैंने इसका रूट लिखे तो हम रूट कैसे लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए,
सुनना, ध्यान से सुनना अब एक्सप्लेनेशन है, बहुत सिंपल। देखो मैंने बोला उसने दिया है कि एबीसी रियल है, तो देखो एबीसी रियल है इसका मतलब ये भी एक रियल क्वांटिटी है, अच्छा बी रियल है तो ये भी रियल है। तो अब मैंने तुम्हें बोला कि अगर मान लो रूट्स इमेजिनरी है तो वो किस पार्ट के कारण आ रहे होंगे, डेफिनेटली इसके कारण। इफ इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो किसके चलते आएंगे, इसके कारण आएंगे, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं बी और टू ए में, क्योंकि मैंने कोफिशिएंट्स रियल बोला है, मैंने बोला इफ कोफिशिएंट्स आर रियल देन क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, तो मैंने रूट्स को इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने एबीसी को रियल नंबर्स बोला है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर एबीसी रियल होंगे तो इसके चलते इरेशनलिटी नहीं आएगी, इसके चलते भी नहीं आएगी, केवल इसके चलते आएगी। मतलब कैसे आएगी, जैसे अभी अपने देखा बेटा इस टाइप का कुछ आएगा अंडर रूट ऑफ माइनस टू समथिंग, या फिर अंडर रूट ऑफ माइनस थ्री, या फिर अंडर रूट ऑफ माइनस सिक्स, कुछ भी आएगा बट नेगेटिव नंबर के साथ आएगा। तो अब खुद सोचो ये सेम है, प्लस माइनस आ रहा है ना, तो इसके कारण क्या हो रहा है, आयोटा का कोएफिशिएंट चेंज हो रहा है एक प्लस लेने पे एक माइनस लेने पे। समझ में आया, ये कब बोल पा रहा हूं याद रखना, दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं मैं इसके ऊपर, भी एक दो ट्रू फॉल्स भी लिखवाऊंगा मैं कि इफ एबीसी आर रियल नंबर देन दिस क्वाड्रेटिक विल हैव इमेजिनरी रूट्स व्हिच आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार और बता देख लो इसका एक्सप्लेनेशन, मैंने बोला एबीसी रियल है तो इसके चलते कोई दिक्कत नहीं, इमेजिनरी का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, डिनोमेटर के चलते कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कॉन्ट्रीब्यूशन केवल होगा न्यूमरेटर में विच इज बिकॉज ऑफ अंडर रूट ऑफ समथिंग लिखा है, तो समथिंग वो नेगेटिव आ रहा होगा इसलिए इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं। वैसे भी हमने पढ़ा डी नेगेटिव होता है तो इमेजिनरी आते हैं। तो अब देखो इधर प्लस माइनस आ रहा है, दिस इज द रीजन जो मैंने कॉन्जुगेट लिखा है, और कॉन्जुगेट क्या होता है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है रियल इमेजिनरी पार्ट में। क्लियर है, चलो तो मैं इसको रब कर देता हूं। अच्छा अब कोई बोलेगा कि सर अगर रियल नहीं होंगे तो कॉन्जुगेट होंगे कि नहीं, तो हम कुछ नहीं कह सकते, तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू आयोटा एक्स प्लस लेट्स से वन इज इक्वल टू जीरो, लेट्स से मैंने ये एग्जांपल ले लिया, चलो ये एग्जांपल लिया। ठीक है, एक काम करते थोड़ा चेंज करते हैं, प्रूफ माइनस 25 माइनस 100 चाहिए तो 25, एक काम करो इसका कैलकुलेट करो, 5 से मल्टीप्लाई किया कोई चेंज तो होगा नहीं, एक काम करो इसको ऐसे ही ले लो डायरेक्टली, इसको ही वन ले लो, इसको ही वन ले लो और इसको भी ये ले लो। चलो अब मैंने क्या किया, ये क्वाड्रेटिक लिया, अब क्या है इसके हम रूट निकालते हैं, फिर वेरीफाई करते हैं ये स्टेटमेंट का कॉन्ट्रोवर्सी। तो रूट क्या होंगे, माइनस बी माइनस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर आई का स्क्वायर इज माइनस वन माइनस फोर ए सी माइनस फोर इंटू वन इंटू वन टू वन, चलो और डिवाइड बाय टू, तो यह आया माइनस वन प्लस माइनस माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव, और अंडर रूट ऑफ माइनस फाइव को कैसे लिखूंगा, अंडर रूट ऑफ माइनस वन इंटू अंडर रूट ऑफ फाइव विच इज आयोटा रूट फाइव बाय टू। ठीक है, अब सोचो तुम, अब जस्ट थिंक इट आयोटा है, क्या ये दोनों रूट्स कॉन्जुगेट हैं एक दूसरे के, तो आंसर मिलेगा नहीं है, क्यों नहीं है देखो एक बार अलग अलग लिख लेते हैं, मैंने लिखा माइनस ऑफ आयोटा प्लस आयोटा रूट फाइव बाय टू और एक माइनस आयोटा माइनस अंडर रूट फाइव आयोटा बाय टू, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। चलो इतना का, चलो एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, आयोटा कॉमन लेके माइनस वन प्लस रूट फाइव बाय टू और ये माइनस आयोटा कॉमन लेके ये हो गया वन प्लस रूट फाइव बाय टू, जस्ट थिंक इट नाउ। अब देखो तुम लोग क्या ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, तो आंसर मिलेगा नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला था कॉन्जुगेट मतलब क्या होता है, आई का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव हो जाता है, तो ये नंबर इस पूरे का नेगेटिव है क्या, नहीं है, ये रूट फाइव माइनस वन बाई टू लिखा है, ये रूट फाइव प्लस वन बाई टू लिखा है, दे बोथ आर नॉट नेगेटिव ऑफ ईच अदर, तो क्या हुआ इसका मतलब क्या है, जो रूट्स हैं दे आर नॉट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, क्यों नहीं आ रहा ऐसा, बिकॉज इधर बी जो है वो रियल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट में मैंने इसलिए इस पॉइंट पे स्ट्रेस दिया है कि अगर एबीसी रियल नंबर है और अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स इमेजिनरी हैं तभी जो रूट्स होंगे वो कॉन्जुगेट होंगे एक दूसरे के, अगर एबीसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया तो हम चुप रहेंगे, चुप रहेंगे मतलब वी कैन नॉट जनरलाइज दैट स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चों, चलो अब इसके बेसिस में हम एक दो ट्रू फॉल्स लिखते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो, इस पार्ट को कॉपी करो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसमें बी इज नॉट रियल इसलिए जो रूट्स आए दे आर नॉट कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अब देखना मैं एक ट्रू फॉल्स दे रहा हूं तुम लोगों को,
मैंने बोला इफ क्वाड्रेटिक, इफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 हैव इमेजिनरी रूट्स, देन दे विल बी कॉन्जुगेट, देन दे विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, ट्रू और फॉल्स? तुम्हें बताना है ट्रू या फॉल्स है। वीडियो पॉज करो, इसके ऊपर सोचो, मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर इज फॉल्स। फॉल्स इसलिए है क्योंकि इसने इधर ए तो इस ए स्पेसिफाई किया, बट इसके बारे में पता नहीं है ना, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी। समझ में आया? अगर वो बोल देता ए इज रियल, तो 5 और 4 तो रियल क्वांटिटी है ही, तो कोफिशिएंट सारे क्या होते, रियल हो जाते। तब हमारा वो स्टेटमेंट से पहले वाला जो नोट था कि अगर कोफिशिएंट्स रियल है तो इमेजिनरी रूट्स क्या होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में आएंगे, वो ट्रू हो जाता। बट वी कैन नॉट कमेंट कि अभी कॉन्जुगेट जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरी? बिकॉज ए के बारे में इसने कुछ बोला नहीं है कि ए क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है इमेजिनरी भी हो सकता है। हेंस रूट्स कैन नॉट, जरूरी नहीं है कि रूट शुड बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो ऐसा लिख लो, वैसे तो ये क्या है, फॉल्स है। अब ऐसे लिख लो, इट विल बी ट्रू, इट विल बी ट्रू इफ, क्या होगा ये ट्रू कब होगा ये स्टेटमेंट, मैं इसमें क्या चेंज कर दूं, इफ ए इज रियल, अगर ए जो है वो विच इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर वो रियल है तब दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। क्लियर है बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब मैं नेक्स्ट ट्रू फॉल्स लिखता हूं, देखना नेक्स्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इफ ऐसे लिखा, ऐसे लिखो, इफ वन रूट ऑफ, इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा, देन अदर रूट मस्ट बी, देन अदर रूट मस्ट बी अल्फा माइनस आयोटा बीटा। वीडियो पॉज करो और सोचो, मैं बोल रहा हूं 99% इस गिव्स रॉन्ग आंसर, 99% स्टूडेंट गिव्स रॉन्ग आंसर। ठीक है ना, 99% बच्चे ऐसे होते हैं जो इसका क्वेश्चन का गलत जवाब देते हैं। इसमें तो फिर भी क्लिक कर जाता है, बट इसमें गलत होता है बहुत से बच्चों का। तो ऑफ कोर्स 99% बच्चे गलत देते हैं, तो अब क्या करो तुम, सही आंसर लाने के लिए जो तुम सोच रहे हो उसका अपोजिट कर दो। ठीक है ना, तो वीडियो पॉज करो, जस्ट थिंक इट वंस। तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो देखो उसने क्या बोला है कि इसका एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, तो दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। पहली बात तो इसका रूट इमेजिनरी होगा, वो बात तो कंफर्म ही है, क्योंकि इसका जो डी है वो 25 माइनस 40 नेगेटिव आ रहा है, तो ये पक्की बात है कि इसका इमेजिनरी रूट्स होंगे। पहली बात, अब वो बोल रहा है कि इसके इमेजिनरी रूट्स हैं और कोफिशिएंट भी इधर दिख रहे हैं 1, 5 और 10 व्हिच इज रियल नंबर, तो अकॉर्डिंग टू दैट नोट इसके जो रूट्स होंगे दे विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है जो मैंने अभी बोला, क्या बोला, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट जो ये लिखा है ना, इफ दिस इज वन ऑफ द रूट देन अदर रूट मस्ट बी दिस, ये रॉन्ग है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, 2-3 मिनट तक सोचो इसके बारे में कि ये रॉन्ग क्यों है। मैं अभी लिख देता हूं दिस इज रॉन्ग, और कंडीशन भी लिखूंगा ये सही कब होगा। जैसे हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था कि ए रियल है तब वो ट्रू है स्टेटमेंट, वो इधर भी बताऊंगा कि ट्रू कब होगा, पर पहले ये सोचो कि रॉन्ग क्यों है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को रब कर देता हूं इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। देखो क्या हो रहा है हमारा, इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो मेरा एक रूट आया, एक रूट मेरा आया 2 प्लस 5 वाई। इस 2 प्लस 5 वाई को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 प्लस 3 आई प्लस 2 आई। ठीक है, अब सुनो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसने अल्फा प्लस आई बीटा दिया है, बट इसने ऐसा तो स्पेसिफाई किया नहीं है कि अल्फा और बीटा जो है दे आर रियल क्वांटिटी। तो मैं एक मिनट के लिए इसको अल्फा बोल रहा हूं, इसको बीटा बोल रहा हूं, अल्फा इज फॉर मी, अल्फा इज
प्लस थ्री आयोटा एंड बीटा इज टू। मैं क्या कर रहा हूं, इसको प्रूफ कर रहा हूं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग क्यों है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैंने अल्फा इसको माना, तो अब इसके हिसाब से क्या है, ये क्या हो गया, टू प्लस थ्री आई प्लस आयोटा टू। तो इसके हिसाब से, इस स्टेटमेंट के हिसाब से दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो अल्फा मेरा क्या है, टू प्लस थ्री आई माइनस आयोटा बीटा इज टू। तो इधर से आया मेरा टू प्लस आई। तो क्या ये दोनों, आपको सोचो, एक दूसरे के कॉन्जुगेट है क्या? नहीं है, नहीं है। इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, टू माइनस फाइव आई। देखो गलत आ गया ना, ये ऐसा क्यों गलत आया, आप सोच सकते हो तुम लोग? ये इसीलिए गलत आया क्योंकि अल्फा जो है वो हमने इमेजिनरी लिया है। हाँ, अगर अल्फा बीटा रियल होंगे तब दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू। जैसे अगर मान लो मैंने टू प्लस फाइव आई को, इसको अल्फा बोला होता और इसको बीटा बोला होता, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता। बट मैंने अल्फा को क्या, इधर से थ्री निकाल के इधर ले लिया, तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट। समझ में आया? तो लिख लो, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू कब, इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल क्वांटिटीज। इफ अल्फा एंड बीटा आर रियल क्वांटिटीज देन दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू, अदरवाइज इन जनरल जो अभी लिखा है दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर है बच्चों? तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन से पहले एक नोट मिसिंग है, वो नोट और लिख लेते हैं, उसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं, तो फिर वो लिखवाता हूं मैं। तो एक नोट क्या है वो लिख लेते हैं। देखो, जैसे अभी जो मैंने नोट लिखवाया था अपना कॉन्जुगेट वाला, सिमिलर टू दैट कैटेगरी है, बट अभी हमारा क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ इमेजिनरी हमारा आएगा इरेशनलिटी का यूज। क्या है, देखो नोट क्या, लिख लो, पहले नोट लिख लो, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इट। मैंने बोला इफ कोफिशियंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो आर रैशनल। इससे पहले वाले नोट में क्या था मेरा, रियल। अभी मैं बोल रहा हूं ठीक है, अब हमने थोड़ा सा चलो एक मिनट, रैशनल, हाँ ठीक है। मैंने बोला इफ कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रैशनल, देन उधर क्या था हमारा, कि अगर इमेजिनरी रूट्स हुए तो क्या आते थे, कॉन्जुगेट पेयर में, इधर भी हमारा कॉन्जुगेट होगा, बट कॉन्जुगेट कैसा होगा वो देखते हैं। इफ कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस आर रैशनल, देन इफ एग्जिस्ट इरेशनल रूट्स, इरेशनल रूट्स इफ एग्जिस्ट, देन इफ एग्जिस्ट इरेशनल रूट्स देन दे विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर, देन दे विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? देखो उसने, अब चले जैसे कॉन्जुगेट की डेफिनेशन रिमेनिंग नंबर के लिए क्या थी, जैसे मैंने बोला टू प्लस थ्री आई का कॉन्जुगेट क्या होता था, टू माइनस थ्री आई। अब रैशनल इरेशनल के लिए और देख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा टू प्लस रूट थ्री, तो ये रियल, ये अपना रैशनल पार्ट है और रूट थ्री इरेशनल पार्ट, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगेन वाइस वर्सा, टू माइनस रूट थ्री। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। क्या बोला मैंने बच्चों, इरेशनल वाला पार्ट होगा उसका कोफिशिएंट चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। जैसे उधर क्या करते थे, आयोटा का कोफिशिएंट करते थे, इधर इरेशनल वाले पार्ट का। जैसे मैंने लिखा फाइव माइनस रूट सिक्स, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, फाइव प्लस रूट सिक्स। ये बोल रहा है कि कोफिशिएंट्स, उससे बोला है इसमें कंडीशन क्या है, कोफिशिएंट शुड बी रैशनल। उधर क्या थी, कोफिशिएंट्स ऑफ रियल, ठीक है ना, रियल केवल थी, इसमें और स्पेसिफिक हो गया, वो रैशनल बोल दिया। रियल नंबर्स तो क्या है, रियल के अंदर तो रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, इसलिए केवल रैशनल के लिए कमेंट कर रहा है। इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, मैंने बोला जो क्वाड्रेटिक था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, सेम एक्सप्लेनेशन है जैसे उधर था, इधर भी वही एक्सप्लेनेशन है। क्या करूं मैं, इसके रूट्स लिखता हूं, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। अब सोचो मैंने कंडीशन दे दी, कोफिशिएंट्स मतलब एबीसी, एबीसी रैशनल है, इसके कारण इरेशनलिटी आएगी क्या, नहीं आएगी। इस माइनस बी के कारण इरेशनलिटी आएगी क्या, नहीं आएगी। तो इरेशनलिटी अगर आई, मतलब इरेशनलिटी आई मतलब रूट्स अगर इरेशनल हुए तो उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, प्लस माइनस के बाद जो लिखा है रूट ओवर समथिंग, इसका मतलब ये जो चीज होगी, दिस क्वांटिटी, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब नाइन टाइप की चीज नहीं होगी, सिक्सटीन टाइप की चीज नहीं होगी, 25 नहीं होगा। क्या होगा, जैसे मैंने बोला सिक्स हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, तो अब देख रहे हो प्लस माइनस आ रहा है,
जैसे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बी अपॉन टू ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाय टू ए। तो देखो ये मेरा अगर अल्फा है और ये बीटा है तो ये क्या लिखा है, अल्फा प्लस माइनस, और इसको चलो मैं चलो हाँ तो एक काम करो इसको बीटा बोल दो चलो। तो फिर बीटा इज माई इरेशनल पार्ट, अल्फा इज माई रियल पार्ट। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज द रीजन कि हमारा अगर रूट, देखो रेशनल ये टर्म का यूज हुआ ना इधर, कैसे हुआ, ये माइनस बी और टू ए इनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो अगर इरेशनलिटी आई तो वो प्लस माइनस के बाद वाले के चक्कर में आएगी, इसलिए हम बोलते हैं कि ये रूट क्या है, एक प्लस लिया तो एक माइनस लिया। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फॉर्मली विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन नाउ। सो जस्ट कॉपी दिस पार्ट एंड पॉज करो और कॉपी करो और फिर हम आगे फिर रिमाइंड को फिर करो। अब सुनना, अब मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पहले। तो क्वेश्चन है, देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, लिखो, लेट वन रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो इज टू प्लस रूट थ्री, देन फाइंड ए कॉमा बी एंड अदर रूट। और गिवन एक और कंडीशन क्या है, गिवन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। ठीक है चलो, तो वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है चलो, इसको हम दो 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 एक तरीके से देखेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। देखना मेथड वन, तो पहले नोट, अकॉर्डिंग टू द नोट जो मैं नोट लिखवाया था, अगर कोफिशिएंट्स रैशनल होते हैं और अगर रूट्स तो क्या होगा, अगर एक रूट रैशनल है तो दूसरा भी क्या होगा, इरेशनल होगा, दे बोथ विल बी कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। तो दिख रहा है कि थ्री तो एक रैशनल है और इधर इसने स्पेसिफाई कर दिया ए एंड बी आर रैशनल, तो ओवरऑल कोफिशिएंट्स रैशनल हो गए, तो मेरी वो कंडीशन जो थी नोट की वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब अगर एक रूट टू प्लस रूट थ्री है तो इसका अदर रूट क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट, और वो क्या होता है, टू माइनस रूट थ्री। तो मेरे पास ये लेट्स अल्फा है, ये बीटा है, तो मेरा दोनों रूट्स आ गए, तो एक ही स्टेप में काम हो गया, फाइंड अदर रूट इज टू माइनस रूट थ्री। ये ऐसा इसलिए बोल पा रहा हूँ, आई एम सेइंग ए एंड बी आर रैशनल, देन ओनली आई कैन कमेंट द अदर रूट इज टू माइनस रूट थ्री, अदरवाइज आई कैन नॉट कमेंट। क्लियर है? अच्छा अब ए और बी निकालने के लिए क्या करें, तुम लोग वीडियो पॉज करो, दोबारा सोचो, अगर मान लो पहले नहीं किया तो अभी सोचो पॉज करके, आप शायद क्लिक कर दें। हम क्या फैक्ट यूज करेंगे, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ रूट, कितना आ रहा है इधर से हमारा, टू प्लस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री, कितना होगा, रूट थ्री और माइनस रूट थ्री कैंसिल, यू गेट फोर। और ये क्या होता है, जो सम जो रूट्स का जो सम ऑफ रूट्स होता है वो तो हमने शुरू में ड्राइव किया माइनस बी बाय, तो इसमें माइनस बी का काम क्या करेगा, माइनस थ्री अपॉन ए तो ए है करेक्ट है, हाँ माइनस थ्री बाय, तो ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस थ्री बाय फोर। समझ में आया? अब बी कैसे निकालूं, डेफिनेटली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या करूंगा, अल्फा इंटू बीटा करूंगा तो टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू सी बाय ए, तो सी का काम इधर बी कर रहा है तो बी अपॉन ए। तो अब देखना ध्यान से, टू प्लस रूट थ्री इंटू टू माइनस रूट थ्री, तो हम इसमें वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर करूंगा तो टू का स्क्वायर विच इज फोर माइनस थ्री विच इज वन, तो वन इज इक्वल टू बी बाय ए, तो ए भी हमारा किसके बराबर आ गया, बी के बराबर विच इज माइनस थ्री बाय फोर। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करो, इसको मेथड को कॉपी करो, अब मैं अलग मेथड से बताता हूँ, देखना ध्यान से, ये और ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो मैं मेथड बताने जा रहा हूँ ना इसके बेसिस पे सेम कंसेप्ट पे एडवांस में भी क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन क्या है वो तो बाद में देखेंगे, अभी मैं उसका एप्लीकेशन बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में। क्या है, जैसे देखो अभी तक हमें पता होता था कि अगर जब भी कोई क्वेश्चन आता था कि लेट्स से अल्फा इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता था, वो अल्फा हम क्वाड्रेटिक में रख देते थे, क्योंकि अगर रूट है तो उस क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली आई विल डू हियर आल्सो, सिंस 2 + √3 इज रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, देयरफॉर आई विल सब्स्टिट्यूट इट हियर। तो क्या करूंगा मैं, 2 प्लस रूट थ्री इसमें रखा, तो 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर इंटू ए प्लस थ्री टाइम्स 2 प्लस रूट थ्री प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। समझ में आया? अब मैं इसको फर्दर कर रहा हूं, तो ए इंटू यू गेट फोर प्लस थ्री प्लस फोर रूट थ्री
प्लस ये हो गया सिक्स प्लस थ्री रूट थ्री प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको करते हैं। क्या किया, अब देखना ध्यान से, मैं थोड़ा रीअरेंज कर रहा हूं टर्म्स को। पहले मैंने ये टर्म लिया, ये वाला और ये टर्म, रूट थ्री कॉमन लिया तो आया इधर फोर ए, इधर से आया प्लस थ्री। अभी समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूं। प्लस इधर से फोर ए, थ्री सेवन प्लस फोर प्लस थ्री सेवन ए, सेवन ए, और प्लस बी प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। एक बार चेक कर लो जो मैंने ऊपर लिखा है वो करेक्ट है या नहीं, कोई मतलब मिस वो तो नहीं है, सिली मिस्टेक। चलो अब आते हैं हम इस पे, अब देखना ध्यान से। अब देखो ये जो नंबर, अब देखो इसमें दे रखा था कि ए और बी रैशनल है, तो सेवन इंटू ए रैशनल होगा प्लस बी रैशनल होगा प्लस सिक्स रैशनल होगा, तो ओवरऑल दिस इज अ रैशनल नंबर। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आने वाला है देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिमिलरली दिस इज रैशनल, और रूट थ्री मेरा क्या है, इरेशनल। अच्छा रूट थ्री, अब देखना ना इरेशनल इंटू रैशनल क्या होता है, ऑफ कोर्स इरेशनल। जैसे मैंने लिखा रूट थ्री इंटू टू, तो टू इज रैशनल, थ्री रूट थ्री इज इरेशनल, तो टू इंटू रूट थ्री क्या होगा, इरेशनल होगा, तो ऑफ कोर्स दिस इज इरेशनल। अब खुद सोचो कि क्या रैशनल और इरेशनल नंबर का, दिस इज इरेशनल दिस इज रैशनल, क्या इन दोनों का एडिशन जीरो आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। तो मतलब मेरा क्या है कि जैसे मैंने लिखा, देखो इधर लिख रहा हूं ए प्लस रूट थ्री इंटू बी इज इक्वल टू जीरो है, और उसमें लिखा है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रैशनल। इससे मैं क्या कंक्लूड करूंगा, जस्ट मैं स्मॉल नोट की तरह इधर देखो, मैंने बोला कि ए और बी रैशनल नंबर है और उसमें दे रखा है ए प्लस रूट थ्री बी जीरो है, तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज क्या, ए इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये एक इरेशनल है, रूट थ्री इंटू समथिंग समथिंग इज रैशनल है, तो रूट थ्री इंटू रैशनल क्या होगा, ये इरेशनल हो गया और ये रैशनल है। कभी भी रैशनल और इरेशनल नंबर का ऐड करके कभी जीरो आ ही नहीं सकता, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे ही नहीं कभी, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब डेफिनेटली क्या होगा कि रूट थ्री का कोफिशियंट है ये, इसको जीरो होना पड़ेगा प्लस इसको जीरो होना पड़ेगा एट द सेम टाइम, समझ में आया, बिकॉज दीज टू नंबर्स कैन नॉट कैंसिल आउट ईच अदर, समझ में आया। तो क्या लिखूंगा, फोर ए प्लस थ्री इसको भी जीरो होना पड़ेगा, और इधर सेवन ए प्लस बी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको भी होना, तो इधर से हमारा वैल्यू क्या आएगी, ए इज इक्वल टू माइनस थ्री बाय फोर, और इधर से हमारा वैल्यू आएगा बी का माइनस सिक्स माइनस सेवन ए, तो माइनस सिक्स माइनस सेवन ए हो गया, सेवन थ्री से ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन बाय फोर, तो ये हो गया माइनस सिक्स इंटू माइनस फोर, ये प्लस हो गया, तो माइनस सिक्स इंटू फोर इज माइनस ट्वेंटी फोर, माइनस ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी वन माइनस थ्री बाय फोर, तो ये आया था हमारा ए और बी बराबर आए थे माइनस थ्री बाय फोर। ठीक है चलो एक और एक्सप्लेन करता हूं इस मेथड को। क्या किया हमने, जो रूट है इस क्वाड्रेटिक का रूट दे रखा था ये, तो सिंपल जो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई भी रूट दिया होता है तो हम इसमें रखते हैं, तो इसको रखा, फिर मैंने क्या किया, इधर लिख लो तुम सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल पार्ट, ऐसे लिख लो सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल पार्ट, इरेशनल पार्ट्स। ठीक है तो मैंने क्या किया, रूट थ्री वाला पार्ट अलग किया इधर, एक्चुअली इस वाले ये इधर लिखना इस वाली लाइन में, तो रूट थ्री के साथ जो है वो एक साथ लिखा और बाकी सब अलग लिखा। अब मैंने क्या बोला कि ये नंबर एक रैशनल है प्लस ये एक इरेशनल है, तो सम ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल जीरो तो नहीं होगा कभी 100%, तो इसका मतलब क्या है, वो कब हो सकता है, पॉसिबिलिटी कब होगी उस चीज जीरो होने की, जब इसके कोफिशियंट जीरो। जैसे मैंने इधर एक शॉर्ट एग्जाम्पल लिखे, फॉरगेट अबाउट दैट ए एंड बी, दिस इज सम डिफरेंट ए एंड बी, मैंने बोला अगर मान लो ऐसा दिया है ए और बी रैशनल है प्लस उसने बोला है कि ए प्लस रूट थ्री बी जीरो है, दिस इंप्लाइज ऐसे लिख लो इफ दिस दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू जीरो बी इज इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि कभी भी रैशनल प्लस इरेशनल नंबर का एडिशन एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, इसका मतलब ये इंडिविजुअली जीरो होगा ये अपना इंडिविजुअली जीरो होगा, वो हो कब सकता है, रूट थ्री तो जीरो नहीं हो सकता, डेफिनेटली बी मस्ट बी जीरो एंड सिमिलरली ए मस्ट बी जीरो, इधर भी इसलिए रूट थ्री तो जीरो हो नहीं सकता, मुझे इस पूरे नंबर को जीरो बनाना है तो दिस पार्ट हैज टू बी जीरो, सिमिलरली दिस पार्ट हैज टू बी जीरो फॉर ओवरऑल एडिशन टू बी जीरो। क्लियर हो बच्चों, इसलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बहुत। अब इसी के बेसिस पर हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, तो जस्ट पॉज द वीडियो, कॉपी करो इसको, अगर कोई भी दिक्कत आती है फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना, कोई हेजिटेशन नहीं करना है, और मान लो तुम्हें तुम्हारे तुमने जो मेथड किया उससे गलत आ रहा है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू जज द मिस्टेक देन सेंड इट टू मी, आई विल वेरीफाई इट।
क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन कहाँ है? या इट इज हियर, लुक एट हियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो। लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू। क्यू मतलब क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल, उधर बताया था मैंने, इधर बेसिक मैथमेटिक्स में दिस ये लिख लेना अगर क्यू याद ना हो। क्यू स्टैंड्स फॉर रैशनल, तो मैंने रैशनल वर्ड इतना सारा ना लिख के सिंपली क्यू लिख दिया, दैट मींस द सेम थिंग। तो अगले क्या लिखा, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्यू एंड वन रूट एंड वन रूट ऑफ द इक्वेशन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस थ्री ए इंटू एक्स प्लस बी प्लस टू ए इक्वल टू जीरो इज टू प्लस रूट फाइव। देन फाइंड ए कॉमा बी, फाइंड ए कॉमा बी, और गिवन क्या है देखना ध्यान से, गिवन ए कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो, दे दिया कि ए और बी जीरो नहीं है, देन वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। तो सेम कैटेगरी क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग खुद से एक बार ट्राई करो, वीडियो पॉज करके मैं बताता हूँ इसको। तो अगेन इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, क्या करें, एक तरीका तो क्या है, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। क्यों? क्योंकि उसने दे रखा है ए और बी सी जो है कोफिशिएंट्स रैशनल है, तो इधर भी एक्स का कोफिशिएंट रियल है, सॉरी रैशनल है, इधर एक्स का कोफिशिएंट भी क्या होगा, रैशनल होगा, बिकॉज बी और ए इंडिविजुअली रैशनल है, तो उनका जो मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से और ऐड करके वो भी एक रैशनल होगा, सिमिलरली दिस इज ऑल्सो रैशनल। तो अकॉर्डिंग टू दैट नोट क्या बोलूंगा मैं, अगर एक रूट, लेट से अल्फा मैं नाम दे रहा हूं, अगर टू प्लस रूट फाइव है, सिंस कोफिशिएंट्स आर रैशनल, देयरफॉर अदर रूट विल बी टू माइनस रूट फाइव, देन यू कैन प्रोसीड विद सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट टू फाइंड ए एंड बी। ये हो गया मेथड वन, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये तुम लोगों को ट्राई करना है, जस्ट लेट मी नो द वैल्यूज, क्योंकि कुछ उस वैल्यू से भी कुछ कंक्लूजन निकलेगा, है तो स्टेप सेम बट आखिरी में थोड़ा सा ट्विस्ट होगा, हल्का सा, थोड़ा सरप्राइज है तुम लोगों के लिए, तो तुम खुद से ट्राई करना। दूसरा मेथड क्या है, सेम चीज, क्या करूं मैं, टू प्लस रूट फाइव इसमें रख देता हूं, तो ए इंटू पेन चेंज, ए इंटू टू प्लस रूट फाइव का स्क्वायर प्लस बी प्लस थ्री ए इंटू टू प्लस रूट फाइव प्लस बी प्लस टू ए इज इक्वल टू जीरो। अब क्या करूं, सेपरेट सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल, रैशनल कॉमा इरेशनल पार्ट, जैसे से पहले किया था, एंड मेक कोफिशिएंट्स जीरो। तो उधर इसमें भी क्या होगा, तुम्हारे ए और बी में दो इक्वेशन बनेंगी, इधर भी दो बनेंगी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट से, देन यू विल सी दोनों से आंसर सेम आएगा, वेरीफाई कर लेना, ठीक है ना। नहीं आता है तो फील फ्री टू आस्क, मैंने बोला आगे थोड़ा सा ट्विस्ट होगा आखिरी में, मतलब वैल्यू आ जाएंगी बट ऐसा आएंगी कि तुम्हें थोड़ा कंफ्यूजन आ सकता है, ठीक है, वो तुम्हारे लिए छोड़ा मैंने, दैट यू हैव टू आस्क मी, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ही कैटेगरी का है, सॉल्व फॉर एक्स कॉमा वाई, एग्जाम्पल इज सॉल्व, इसमें ऐसा क्वाड्रेटिक टाइप का कोई वर्ड यूज नहीं किया, सिंपली सॉल्व फॉर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्यू। एक्चुअली जेई में इस टाइप का क्वेश्चन आया था, उसमें क्वाड्रेटिक वगैरह का यूज ही नहीं हुआ था। अब क्या होगा तुम्हारा, अब तुम्हें इजिली क्लिक कर जाएगा जो मैंने पढ़ाया उसके बेसिस में, दिस केम इन एडवांस एक्चुअली, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस रूट थ्री प्लस टू इंटू वाई प्लस फाइव प्लस रूट थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। उसने इतना दे रखा है, सॉल्व फॉर एक्स कॉमा वाई वेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्यू, यू हैव टू फाइंड एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहली चीज, जैसे देखो क्या होता है कि जनरली जो हम जैसे 9 10 तक भी पढ़ते हैं, कि जैसे मान लो कोई हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, मतलब कोई भी, तो इन जनरल हमारे पास दो इक्वेशन होना चाहिए, जैसे मैंने लिखा, एक लिखा एक्स प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और एक लिखा टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, लेट्स से मैंने ऐसे लिखा। तो हम क्या बोलते हैं, जनरल स्टेटमेंट क्या होता है हमारा मैथमेटिक्स में, कि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है उतनी नंबर ऑफ इक्वेशन हमारे पास होना चाहिए टू सॉल्व दिस, पहला स्टेटमेंट, ठीक है ना। एक बार और, जितने वेरिएबल्स हमारे पास हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास सॉल्व करने के लिए, दैट इज अ जनरल स्टेटमेंट, बट दैट इज नॉट अ मैंडेटरी स्टेटमेंट। क्यों, जैसे मैंने देखो ऐसे लिखा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स से जीरो, और मैंने बोल दिया एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर।
अगर मान लो तुम्हारे पास इतना क्वेश्चन आया, एक मिनट के लिए सोचो, इतना तुम्हारे पास क्वेश्चन आया, तो इक्वेशन कितनी गिवन है? एक ही इक्वेशन गिवन है, और वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल्स हैं। क्या है? एक बार और, इक्वेशन एक है, वेरिएबल्स आर टू। तो इसका मतलब जनरल स्टेटमेंट हमारा क्या था कि जितने वेरिएबल्स हो उतनी इक्वेशन चाहिए पड़ती है इन जनरल हमें, तो उसके हिसाब से तो ये सॉल्व नहीं होगा, बट दिस इज सॉल्वेबल। क्यों? इसका रीजन है, इस टाइप को मतलब इस टाइप की चीज को, सिनेरियो को हम बोलेंगे स्पेशल केस। क्या बोलेंगे? स्पेशल केस। क्यों? इसमें क्या है, एक्स रियल है, वाई रियल है, तो ये क्या है हमारा, एक रियल क्वांटिटी एक्स माइनस वन। सिमिलरली ये भी एक रियल क्वांटिटी है। अच्छा मुझे पता है रियल क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। दिस इज नॉन नेगेटिव, मतलब ग्रेटर देन, क्या बोलूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिमिलरली दिस क्वांटिटी इज ऑल्सो नॉन नेगेटिव, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सुनना ध्यान से एक्सप्लेनेशन, उस चीज का मैं यूज बता रहा हूं एक्चुअली। ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और दोनों का सम जीरो है, तो डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा और इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का सम जीरो आएगा। और ये जीरो कब होगा, व्हेन एक्स इज वन एंड दिस इज जीरो व्हेन एक्स वाई इज टू। तो सोचो एक इक्वेशन दे रखी थी और हमारे दोनों वेरिएबल के आंसर आ गया एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू टू। क्लियर हुआ बच्चों? समझ में आ रहा है? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इधर भी हमारा क्या है, बेसिकली इक्वेशन एक दी है और वेरिएबल्स दो है एक्स और वाई, तो डेफिनेटली कुछ तो लॉजिकल लग रहा होगा। जैसे इधर लगा रियल क्वांटिटी का स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव और सम ऑफ टू नॉन नेगेटिव क्वांटिटी जीरो आ रहा है, तो डेफिनेटली बोथ हैज टू बी जीरो। अब इधर आते हैं, है तो वही चीज जो मैंने अभी इससे पहले की, बट ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन पार्ट हो गया और डिटेल में, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे, तो क्या करेंगे हम, डेफिनेटली क्या करें, सेपरेट रैशनल एंड इरेशनल पार्ट जो हम पहले कर रहे थे। तो क्या किया, एक्स प्लस इधर से टू आया, तो मेरा ये टू यूज हो गया, ये एक्स यूज हो गया। अब देखना इधर से प्लस फाइव टाइम्स टू एक्स प्लस वन, तो ये फाइव यूज हो गया। अब मैं रैशनलिटी वाला पार्ट लिख रहा हूं, तो प्लस रूट थ्री टाइम्स इधर से आया वाई, इधर से आया रूट थ्री टाइम्स टू एक्स प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। अब वही क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया। क्या दिखने में तो एक ही इक्वेशन है, बट इनडायरेक्टली देयर आर टू इक्वेशन। कैसे? देखो एक्स और वाई रियल, सॉरी रैशनल है, तो इतना पार्ट क्या होगा, रैशनल। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या है, रैशनल। तो रूट थ्री इंटू रैशनल क्या होगा, इरेशनल। तो इसका और इसका एडिशन जीरो का हो सकता है, जब अपन इंडिविजुअली दिस टू आर जीरो, तो इससे हमें दो इक्वेशन मिली। क्या क्या मिली, एक्स, ये इक्वेशन क्या, फाइव टू जैड टेन प्लस वन इलेवन एक्स प्लस टू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, और इधर से मिला हमें वाई प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, दैट्स इट। तो समझा, दी तो एक इक्वेशन थी, लग रहा था एक है, बट एक्चुअली दो है, उसमें हिडन इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। क्या करें हम, एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो टू वाई गायब हो जाएगा, तो इलेवन एक्स माइनस फोर एक्स, क्योंकि टू टू द फोर होगा ना, इलेवन माइनस फोर सेवन एक्स, इधर से फाइव माइनस टू विच इज थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, माइनस थ्री बाय सेवन। और इसको किसी भी एक इक्वेशन नीचे वाले में रखते हैं, छोटी है थोड़ी, तो वाई निकाल लेते हैं, तो वाई कितना आ गया, माइनस टू एक्स माइनस वन, तो ये हो गया माइनस टू एक्स हो गया सिक्स बाय सेवन माइनस वन विच इज माइनस वन बाय सेवन, तो एक्स और वाई की वैल्यू ये आई हमारी। क्लियर है बच्चों? तो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। अगर कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का, फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना, क्योंकि मैं शीट देने स्टार्ट करने वाला हूँ क्वाड्रेटिक की, ठीक है ना, और मैं चाहूंगा कि तुम उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन खुद से कर पाओ, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, एंड फॉर दैट यू शुड हैव ऑल द कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।